दोस्तों सभी को नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रभप्रीत सिंह। आपका हमारे YouTube चैनल माइक्रो एजुकेशन में बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेंचरी को कैसे चलाते हैं। वेंचरी मीन्स हमने जो भी खादे या जो भी फर्टिलाइजर देने हैं अपनी फसल में, वो ड्रिप सिस्टम द्वारा दे सकते हैं। उसमें एक वेंचरी लगी होती है, वेंचरी के थ्रू हमने वहीं पे टैंक में, जो भी हमने टैंक रखा होगा, बाल्टी रखी होगी, उसमें हमने सारी खाद को घोल देना है। और उस खाद को खोलने के बाद हमने इस वेंचरी के द्वारा वो वाली खादें फसल को डायरेक्ट दे देनी है। इसमें कोई लेबर का खर्चा नहीं आएगा खाद देने में, सिर्फ सिंपल आपने खुद खड़े होना है, 15 मिनट में पूरे एरिया में खाद चली जाएगी। आइए दोस्तों, तो ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन यूनिट। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखी है, उसमें पूरे फिल्ट्रेशन यूनिट की जानकारी दी हुई है। ऊपर मैंने वो आई कार्ड पे दे दिया लिंक उसका, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया है। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ वेंचरी को हमने चलाना कैसे है। जब भी आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या स्प्रिंकलर सिस्टम का काम करवाना है, तो दो प्रेशर गेज हीटर यूनिट पे जरूर लगवानी है, एक इनलेट पे और एक आउटलेट पे। इसका फायदा हमें ये होता है कि जब भी हम लोग वेंचरी को ऑपरेट करेंगे, तो इनलेट और आउटलेट के प्रेशर डिफरेंस का हमें पता लग जाएगा। ये है दोस्तों वेंचरी, और ये वेंचरी की सक्शन पाइप। सबसे पहले हमने जो भी फर्टिलाइजर देने हैं फसल को, वो फर्टिलाइजर पानी में घोल लेनी है। एक खास बात का ध्यान रखना है कि जो भी फर्टिलाइजर होंगे वो सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए, मतलब के पानी में घुलनशील हो। वो घोलने के बाद हमने ये वाली सक्शन पाइप उसमें डाल देनी है। ये सक्शन पाइप उसमें डालने के बाद हमने जो बीच में कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है वो हल्का हल्का बंद करना है। उससे पहले जो इधर नीचे गेट वाल्व लगा हुआ है इसको जरूर खोल लेना है, और इस फिर कंट्रोल वाल्व को हल्का हल्का बंद करना है। आप इसको बंद करने से पहले इनलेट का प्रेशर देख सकते हैं कि कितना है। जैसे यहाँ पे हमारे 0.8 के आसपास है इनलेट का प्रेशर। जैसे मैं इसको बंद करूंगा हल्का हल्का, ये प्रेशर यहाँ पे थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप कि सुई ऊपर जा रही है। इसमें 0.5 kg का जैसे ही डिफरेंस आता है, यहाँ पे 0.5 kg जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, तो वेंचरी सक्शन स्टार्ट कर देगी। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इसकी पूरी सक्शन शुरू हो चुकी है। तो ये दोस्तों फ्लो मीटर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, इससे हमें फ्लो पता लग जाता है कि प्रति आवर प्रति घंटा कितनी हमारी खाद जा रही है आगे। चल ठीक, अब जैसे ही मैं इसको कंट्रोल वाल्व को दोबारा से खोल देता हूं, तो ये बिल्कुल बुलेट नीचे बैठ जाएगी। जैसे हमारा चल रहा था, जैसे ये पानी स्टार्ट करेगी तब ये उसी पोजिशन में ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आज के टॉपिक में, हमने आपको बताना था कि वेंचरी को कैसे चलाते हैं। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। आप अगर हमसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की कोई गाइडेंस चाहते हैं या सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।